नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के संभल में कोर्ट के आदेश पर हुए जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो बवाल मचा, उसे पूरे देश ने देखा कि कैसे संभल में हिंसा हुई। पहले नारेबाजी और फिर पत्थरबाजी, और देखते ही देखते संभल की धरती जल उठी। 5 लोगों की जान चली गई, तो वहीं अब इस मामले में योगी सरकार सत्ताक्षीण में दिखाई दे रही है। जी हां, जहां एक तरफ हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन लगातार कार्यवाही कर रही है, इस मामले में 27 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, इनमें से 3 नाबालिग भी हैं। 74 अन्य दंगाइयों की पहचान की गई है जो कि फरार है, इनकी तलाश जारी है। तो वहीं इस बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार संभल में उपद्रव करने वाले आरोपियों पर सख्त एक्शन लेने के मूड में है। संभल के पत्थरबाजों और उपद्रवियों पर योगी सरकार कैसे एक्शन लेगी, इसकी जानकारी सामने आई है, देखिए इस रिपोर्ट में। संभल के पत्थरबाजों और उपद्रवियों पर योगी सरकार सख्त रूप से एक्शन लेने की तैयारी में है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर इन पत्थरबाजों और उपद्रवियों के पोस्टर लगेंगे, इनसे नुकसान की वसूली भी होगी। इसके साथ ही इन पर इनाम भी जारी किया जा सकता है। यूपी सरकार पहले से ही उपद्रवियों और अपराधियों के खिलाफ नुकसान की वसूली और पोस्टर का अध्यादेश जारी कर चुकी है। बता दें, बवाल में पत्थरबाजी करने वाले 100 से अधिक उपद्रवियों को चिन्हित किया जा चुका है। योगी सरकार इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जल्द ही इनके पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाएंगे। उपद्रवियों से बवाल के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई कराई जाएगी, उनसे नुकसान की वसूली होगी। योगी सरकार पहले ही उपद्रवियों अपराधियों के खिलाफ क्षतिपूर्ति संबंधी अध्यादेश जारी कर चुकी है। वहीं संभल पुलिस और जिला प्रशासन ने उत्तर प्रदेश सरकार को संभल में हुई हिंसा के मामले में एक रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में संभल पुलिस और जिला प्रशासन सरकार को पूरी डिटेल के साथ ये बताया गया है कि सर्वे की टीम कब आई और उसके बाद हिंसा कहां से और किस समय शुरू हुई। संभल पुलिस और जिला प्रशासन की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि हिंसा के समय कितने लोगों की भीड़ मौके पर मौजूद थी और पत्थरबाजी के साथ हिंसा कैसे शुरू हुई। इसके अलावा जिला पुलिस और प्रशासन ने यूपी सरकार को रिपोर्ट में हिंसक भड़प पर पुलिस एक्शन के बारे में भी बताया है। इतना ही नहीं, संभल पुलिस और प्रशासन ने राज्य सरकार को आगे की कार्यवाही, पुलिस जांच और पुलिस के एक्शन की रूपरेखा के बारे में जानकारी दी है। वहीं संभल के मौजूदा हालात पर SP कृष्ण कुमार ने कहा है कि रविवार को हुई हिंसा के बाद इंटरनेट बंद करने का फैसला हुआ था, जो अब भी जारी है। इसके अलावा स्थिति सामान्य है और बाकी सभी चीजें बहाल कर दी गई हैं। SP ने बताया है कि पुलिस ने घटना में शामिल लोगों के CCTV फुटेज खंगाले हैं। 100 से ज्यादा लोगों की पहचान कर ली गई है और वे जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।